ये दोनों बोलते हैं मी देते आमचे पण देऊन टाका ना मग. Assalamualaikum आदाब नमस्ते सत श्री अकाल केम छो. दिस इज रमेश शेख एंड वेलकम बैक टू अवर YouTube चैनल रमेश व्लॉग्स. सीन ऐसा है कि लास्ट टू वीक जब मैं बाइक से गिरा था तो मेरे हाथ में स्वेलिंग था, और स्वेलिंग जैसे कम हो रही है तो आप देख सकते हो ये जो रिस्ट का हड्डी है ये ऊपर लग रहा है और रिस्ट नीचे लग रही है, तो ये बहुत क्रिटिकल लग रहा है मेरे को मेरे हिसाब से. बिकॉज क्या है, 2017 में मैं बाइक से गिरा था, जब एक्सीडेंट हुआ था मेरा, तब भी ये हाथ मेरा फ्रैक्चर हुआ था. ये रिस्ट जो है वो बाहर निकल गई थी और फिर उसको फिक्स करना पड़ा, और ऑलमोस्ट 3 मंथ्स मेरे को ऐसा हाथ लेके चलना पड़ रहा था क्योंकि इसमें रॉड डाले हुए थे. तो अभी इसकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं लग रही है. अभी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, जिसका मेरा ऑपरेशन हुआ था उसी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ दिखाने के लिए कि ये दुख रहा है थोड़ा सा मेरे को. ये जब मैं ऐसा करता हूँ तो ये रिस्ट में दुख रहा है, तो ये दिखाना है. आई होप कि सब ठीक हो. तो अभी चलेंगे, नाला सोपार जाना है. बहन उधर वेट करी, उसने अपॉइंटमेंट लिया है तो उधर चलना है. फिर देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है. थोड़ा टेंशन है क्योंकि वर्कआउट के टाइम पे थोड़ा दर्द करता है, बाइक चलाता तब थोड़ा दर्द करता है, तो वाट लग गई है. तो चलते नाला सोपारा, बाय ट्रेन जाएंगे. भाई बाइक से बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, दूर पड़ता है और हाथ दर्द करता है, इसलिए राइड करने में कंटाला आ रहा है. और ट्रैफिक भी होगा क्योंकि वीकडेज चालू है और सब जगह ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, और बाहर धूप भी बहुत है और गर्मी भी बहुत है. तो बेटर है ट्रेन से ही चलेंगे यार, तो ट्रेन के मजे लेते चलो. एक नाल सुपर रिटर्न देना, देखो तमली दे दिया. थैंक यू. नायगांव तक दिया. चलो भाई 5 मिनट बाकी रही है तो भागना पड़ेगा. इतना भाग कर आया और पता चला कि ट्रेन 10 मिनट लेट है. आज दिन खराब ही लगता है अपना, है कि नहीं? सब भाग भाग के पूरा पसीना पसीना हो गया मैं, और ट्रेन 10 मिनट लेट है. जिस दिन बाइक से गिर गया था उस दिन को वॉच हुए स्क्रैचेस आ गए थे ग्लास के ऊपर. ये मैंने अभी नोटिस किया बैठे बैठे, क्योंकि ट्रेन को टाइम है ना, ये अभी देखा मैंने. अरे ये इसके स्क्रैचेस आ गए, तो क्या करे भाई साहब, सब जगह स्क्रैचेस आ गए लाइफ में. तो पहला हाथ का देखेंगे फिर टाइम का देखेंगे. ट्रेन को टिकान लगने रहे, अभी भी 2 फास्ट ट्रेन जाएगी उसके बाद ट्रेन आएगी यार. सर दर्द करने लग गया, भूख भी लगी. तो फाइनली आई रीच नाला सुपर रहा. जब ट्रेन का ट्रैवल करने की आदत नहीं होती ना तो शक्ल कुछ इस तरह से हो जाती है. मैं पालघर से लेके सुपर तक खड़े खड़े आया, और बैक पेन हो रहा है बहुत गंदा, और पाँव भी दर्द कर रहे हैं. अभी जीजू ने भी अब बुलाया है, कार लेके आ रहे हैं, कार में चलेंगे थोड़ा एसी की हवा भी खाएंगे यार, बहुत गर्म कर रहा है इधर. जीजू आते तब से अपन बिस्लरी पानी ले लेंगे यार. पानी ये भाई पानी देना, बिस्लरी देना, एक बीस रुपये दे बड़ा देना. ये मस्त बनाया रे, छाछ का है क्या? तो आ गई अपनी गाड़ी. लॉक तो खोलो. अस्सलामुअलैकुम, ये अपने जीजू सफद भाई. अभी जाके सुकून है, कब से इतनी बाहर इतनी गर्मी है ना. सरी वर सरी जरा बंद करूँ अपन. सरी वर सरी. तो अभी सुपर स्टेशन से जा रहे टूवर्ड द हॉस्पिटल साइड, और बहन की तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो वो भी बेटर फील कर रहे हैं. उसी डॉक्टर के पास मैं भी जा रहा हूँ अपना हाथ दिखाने के लिए. देखो कैसा हो गया, देखो ऐसा हो गया. बाइक राइडिंग का नतीजा है. तो अभी गाड़ी में बैठे तो बेटर फील कर रहा हूँ,
तो बाहर हाथ खराब थी और मैं कब से मतलब खड़ा खड़ा आया तो वाट लग गई थी पूरी। अभी कुछ भूख तो बहुत लगी है पर कुछ खाऊंगा नहीं जब तक ये हाथ दिखाऊंगा नहीं, तब तक तो सुकून नहीं आएगा। तब तक तपस्या करनी है, मतलब अच्छा हो जाए, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, मेजर इश्यू नहीं चाहिए, नहीं तो वादे हो जाएंगे अपने भाई। तो सोनू से वेट नंबर लाके बैठी है हॉस्पिटल में, वेट कर रही है, ऑपरेशन थिएटर में गए। हाँ तो ये है वो नाइक हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक। अरे मेरी बहन अस्सलाम, नंबर लगाएगा मेरा? हाँ बुला रहे, चलना चलना चुपचाप। हाँ जा रहा हूँ, क्या हो गया ना वजन करो। सेवेंटी नाइन एक किलो बढ़ा, वो 15 से जिम नहीं किया इसके लिए ऐसा इशू हो गया। क्या बोले नहीं अपने को डॉक्टर ने बोला कि उसमें नॉर्मल है, थोड़ा सा एक है प्रॉब्लम तो आपको हो जाएगा बेल्ट यूज करने से। हाँ वैसा ही खाली घुमा दे बस, ये बाइक चलाने के टाइम पे यूज करना है, सपोर्ट देगा। ओए बाइक चलाने के टाइम पे यूज करना है। तो सीन ऐसा है कि अपना हाथ एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास टकाटक है, कोई इशू नहीं है, सिर्फ डॉक्टर ने बेल्ट लिया जिसका कितना लिया 450 रुपया, 450 लिया डॉक्टर, अच्छा था मेडिकल लूट लिया, इसका कीमत हाट है 200-220 रुपये का। तो कुछ इशू नहीं, अभी अच्छा लगा जरा अपने को, और बहन है साथ में तो कुछ पिलाएगी खिलाएगी अपने को, उसके ससुराल में आए ना 400 पर बहन की बड़ी पिक्चर बनने वाली है। हल्का सा स्ट्रेन है इसके अंदर, रिस्ट स्ट्रेन हो गया, तो ये बेल्ट है पहनने के लिए वाइल बाइक राइड के टाइम पे या कुछ काम के लिए ये पहनना ज़रूरी है। और ये देखो ये मेरी बहन चल रही है आगे आगे, हम दोनों घूम रहे इधर। गन्ने का जूस, केन जूस, लस्सी बोली तो पिलाने वाली मेरे को, गन्ने का जूस भी आ गई, गर्मी गिर रही है कितना पागल, लस्सी पिलाने वाली थी लस्सी से गन्ने का जूस भी आ गई, ज्यादा हेल्दी रहता है वो। चलो हेल्दी पियेंगे फिर, भर के देना, ये दोनों बोलते हैं मी देते आमचे पण देऊन टाका ना मग। आमचे देऊन टाका, काय मस्त पण आहे एकदम, अद्रक निंबू इलायची डालके बच्चा नमक, ऐसे लोगों ने बहुत दक्कन में नमक डाले हुए मेरे, ये बोलती नमक डाल, अरे लोगों ने ऐसे दक्कन में नमक डाले हुए। मजा है ना, अच्छा लग रही चुस्की मार मार के पी रही तू भी, नमक डाला नमक करते सच्चा रहा। मैं ये ऑटो के सामने पहुंच गया हूँ और ये मेरी बहन चलते चलते आ रही है वहाँ से, मैं जी बाइक पे आ गए इसको जा चल दिया, इसको हटा दिया बाइक पे। आदत है चलने की, हाँ मालूम है। तो हम लोग आए होटल पकवान में, ये इसका फेवरेट है, ये लेके आई इधर। क्या खिला रही आज? खिला रही ना जो तू खाएगा वही खिला रही। क्या खा रहा? तंदूरी, एक चिकन तंदूरी, एक बटर चिकन, नान रोटी। अरे रुक ना थोड़ा सब्र तो कर, ये तंदूरी लोगों को बता दो दे, चालू क्या तोड़ भी दिया तूने, खा भी खा 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 ना, बिस्मिल्ला पूरा पढ़ने का दुआ, बिस्मिल्ला आला बरकत तिल्ला ऐसी पूरी पढ़ने की हलकट। बाकी क्या बाकी के अंदर तो गया तो भाई आला बरकत तिल्ला। बाकी के अंदर जाने के बाद वो चिकन अपने आप पड़ लेगा, तो मेरा टाइम है अभी आराम से एकदम, हाँ कोई घाय नहीं है, परफेक्ट टाइम पे आए है भैया, हो गया पीछे बड़ो खा के ले अपने कपल भैया। लो जल्दी खाओ,
हाथ धोया है? क्या बात है, बिल तुमको ही भरना है, वेरी गुड। दुख तो से मारती पागल। तो खाना हो गया, बहुत दवाई खाना खाया और अभी अपने घर पे थोड़ा आराम कर, थोड़ा आराम करेंगे। बच्चे और मामू का इंतजार कर रहे हैं, मामू आए नहीं है। और ये इतनी कमी नहीं है ना, ये बच्चे लोग घर पे है और ये खाना खा रही है हमारे साथ। तो तू कैसे बड़ा होशियार है, तू तेरे से याद किया। तो बाइक चला के तुम रिश मेरे पे दे रहे, तो मैं ले लेता हूँ, रखो रुको मैं चलाता हूँ। तो रिश अपन तू रिक्शा में जा, इधर एक इनको हाय कर। ये मेरी नेफ्यू अजवा है, अजवा कब से मेरा वेट कर रही थी। क्या ये दीदी का हलवा? कौन है ये? अभी उसको दूर रख, इसमें चादर छटा। क्या नाम है इसका? इबू। चल हलवा ट्राई करते हैं अपन। अच्छा देखिए, और ये है हमारी मीशा और इब्बू साहब। किधर गए? और ये इधर है इधर। और ये हमारी बड़ी बिल्ली है, ये सबसे बड़ी बिल्ली आरपा। अरे ये हमारी छोटी बिल्ली है। और ये हमारा भोपा बड़ा बिल्ला। और ये फिर हलवे का एक बाइट लेते हुए। अरे जस कैसा लगा? ये भी लेके जाएगा पार्सल। तो सीन ऐसा है कि आपने हाथ सही सलामत है और इसी खुशी में अपन खा रहे हलवा, मस्त टेस्टी एकदम। अपना हाथ भी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ इतना कि आपने स्ट्रेन हो चुका है और जिम को 10 दिन का रेस्ट बोला है। मैं जिम को ऐसे भी नहीं जा रहा था, तो 10 दिन रेस्ट। अरे बहन घर पे थोड़ा आराम करेंगे, खाना दफाई खाए तंदूरी खाया दवा के हम लोग ने, तो भी आराम करेंगे। फिर अपना ट्रेन है, अपन निकलेंगे फिर 4 बजे के आसपास। ठीक है, चालू नहीं किए। क्या है ये? मलाई है, ये मलाई। ईरानी चाय, ईरानी चाय में मलाई मार के। शुक्रिया। तो अभी टाइम हुआ है शाम के 5 और खाना के मैं सो गया था बहन के इधर। और अभी मैं और मेरे जीजू है साथ में सरपंच भाई। अब नागौर किस्टो भी चाय पीने के आए, तो खासियत है चाय का, ईरानी चाय मलाई मार के। सुपर है, आँख खुल गई भाई, नींद खुल गई एकदम। सही है। फाइनली पालघर पहुँचे और साधिका लेने के लिए आई मुझे। तो आई उस पर भी एक टर्म्स एंड कंडीशंस है। साधिका का ए रुकना, रुक बैठने दे। अरे बैठने तो दे। अरे सॉरी सॉरी सर, बैठने तो दे। तो इसके टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो लेने के लिए आई है। आई तो मैं थके जाऊँगी, ये टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आई है। धीरे 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 धीरे। अभी अभी डॉक्टर में जाके आया हूँ मैं, फिर से जाने का नहीं है अपने को। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चाचा को बिठा के मरगढ़ पे। तो चलो शादी का भी घर पे छोड़ेगी, आप लोग दुआ कीजिए मेरे लिए। मैं भी अपना ख्याल रखता हूँ, आप भी अपना ख्याल रखना है। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चिंता डाला बैठे क्या, फिर अपना ख्याल रखना। बाय बाय।